हाँ तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है आज वेस्ट वंडर पार्क के ना, और हम यहाँ पर टिकट लेंगे और निकल जाएंगे। और बहुत दिन बाद मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रहा था यहाँ आने का, एंड दिल्ली का आई थिंक एक फेमस प्लेस कह सकते हो आप, ठीक है ना। और बहुत टाइम से मेरी प्लानिंग थी इधर आने की, मैं आ नहीं पाया, तो हम जाएंगे फिलहाल। तो हम टिकट लेंगे, एक संदीप भी टिकट ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमें जाना है अंदर की ओर। और टिकट के प्राइस आप देख लो, और गुरु ये है आपका वेस्ट ऑफ वंडर, जिसे हम वंडर थीम पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये टोटली पार्क जो है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और हम अंदर जाकर के देखेंगे कि उन किन चीज किन वेस्ट मटेरियल चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है इन चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे कि आप सामने देख सकते हो देश का जवान खड़ा है। और गुरु ये हम आ चुके हैं इसे प्रांगण में, इसे प्रांगण में आप देख सकते हो कि सामने MCD का एक बोर्ड टाइप में दिख रहा है, एंड आपको पता नहीं क्यों ये लगाया गया यहाँ पे, आई डोंट नो, लेकिन शाम होते हैं लाइट जाने लगती है। और गुरु ये है यहाँ का गीजा का पिरामिड, ठीक है ना, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक, ठीक है ना। ये जो है टोटली वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, एंड इसको आप देख सकते हो। और ये मुझे जो है सो खोखला से दिख रहा है, मतलब इसके अंदर मुझे जगह दिख रही है, सारा कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि पूरा क्या खोखला है, मतलब लोहे से जो इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये लोहे के जंजीर है, चलिए आगे चलते हैं। और ये है गुरु, देखो 7 अजूबों से एक, क्या होता है उसको, गीजा की प्रेम, गीजा का मीनार आई थिंक ऐसे कुछ है, जो अच्छा पीसा है, पीसा ना है ना, मतलब मैं गीजा ही है, अभी गीजा है पीसा है, डोंट नो, लेकिन देख सकते हो वैसे भी मीनार टेढ़ी है। और वैसे भी रियल में मीनार मीनार जो है टेढ़ी ही है, मीनार ही है ना, ये टावर बोलेंगे इसको, ठीक है ना। देखो वैसे गजब टेढ़ा है, खाना लिखा हुआ है। तब कोरोना का जब प्रचार है तो बंद नहीं हुआ, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, मास्क लेकर के आया हूँ मैं, और मैं अपने दोस्त से 2 गज की दूरी पर हूँ। और फिलहाल तुम यहाँ से देखो, यहाँ से जो इसकी जो छवि है वो बिल्कुल क्लैरिटी में आ रही है, ठीक है ना। और होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, एंड आगे चलते हैं और मज़े लेते हैं क्या क्या इस पार्क के अंदर। और ये है मेरी जान आईफिल टावर, आधा दिख रहा होगा अभी आपको पूरा दिखेगा, तो गुरु देख लो आईफिल टावर, ओके, एंड यहाँ पे आप मज़े ले सकते हो। अब यहाँ से अंदर जाएंगे और देखते हैं, चलो कब दे रहा है, क्या फीलिंग दे अंदर से, एंड दिस इज द छोरो। अब चलते हैं उस तरफ, फिर मेरी जान ये कौन है भाई साहब, ये कौन सी मीनार है, वैसे नाम देखना पड़ेगा, गूगल इसका नाम बताओ। ये रोम का कॉलिसियम है, तो गुरु ये रोम का कॉलिसियम है जो कि इटली में है, आपको पता ही होगा। और इसके बारे में हमने पढ़ रखा है हमने अपनी किताबों में, इसके एक बार फेरे ले लें, 7 फेरे 7 बार, आ जाओ मेरे यार। तो गुरु उसका जो माल वाला झड़ रहा है देख सकते हो आप, एंड सही है इंडिया में घूमने के घूमने वाले लोगों के लिए, एंड एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब यहाँ से घूम करके हम जाते हैं दूसरी तरफ, चलो करते हैं मज़े, और घूम करके हम अब जाएंगे इस रास्ते की ओर। इसका कोई चक्कर मार लिया है, 7 फेरे ने हमने एक ही फेरे ले लिए हैं, और ये हमारे इंडिया खुद का ताजमहल, उसकी टन गजब है ये। चलो अंदर तो जा सकते हैं हम फिलहाल, ये तुम यहीं समझ ले रहे हो, ताजमहल भी चलेंगे फिर कभी, आज ज़िंदगी बिता लो यहीं। तो गुरु देख सकते हो इधर आप, इसमें फुली जो है वेस्ट चीज़ों का मटेरियल का प्रयोग किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्क के बेंचेस हैं जो कि यहाँ लगे हुए हैं, और उन्होंने बताया कि रिक्शा पार्ट्स है जो कि इनके सीने के पास लगा हुआ है, और ये ऑटो गियर्स पार्ट्स जो कि इनके हाथों के पास है, और इनके बारे में जो है चेन्स का यूज़ किया गया जो कि साइकिल वगैरह आपने देखा होगा, बेयरिंग्स वगैरह जो होती है, स्प्रिंग्स वगैरह वो चीज़ें हैं। अगर इसको सामने से देख लो, ये है रिडीमर रियो, और इसको अपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा अपने, हम तो घूमने तो नहीं गए हैं, फिल्मों में देखा है और इंटरनेट वगैरह पर देखा है अपन ने इसको। गुरु ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर किन की चीज़ का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख सकते हो आप सिंपल वाइज जो आपके पार्क गेटिंग से होते हैं वो हैं, ये आपके गेट वगैरह में लगे होते हैं ये। और ये है पाइप्स एंड कार पार्ट्स, मतलब पाइप गोला गोला, ओके। और ये है आपको रिक्शा का जो पार्ट्स होता है इनके कपड़ों में यूज किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर साइकिल चेन, सेम वही बालों में साइकिल चेन का प्रयोग किया गया है, और टायर रिम्स का प्रयोग किया गया हाथों में, और रियली वो टायर रिम ही है, छोटी जो साइकिल्स होते हैं उनके जो टायर रिम्स होते हैं देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो ऊपर की ओर, ये देखो ये बिल्कुल टायर रिम्स है गुरु, हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, पता नहीं आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
नासी नासी या सा सॉरी पास अच्छा पानी सा ओहो मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आकर पानी पी सकते हो मस्त, ये वेस्ट ऑफ पानी नहीं है, ये पीने पानी है, आरो लिखा इसके ऊपर। और ये तुम्हारी डालते हैं लाइट्स देख सकते हो, पुराने टूटे टम्पर टीन का बना हुआ ये तुम्हारा लाइट्स मस्त लग रहा है पेड़ों पर, और इधर भी लाइट्स जल रही हैं। फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये पार्क्स में बैठने की जगह होती है मतलब डस्टबिन वगैरह भी इधर बहुत अच्छी है ये। और गुरु ये कौन सा फॉल है नहीं पता, शायद नायग्रा फॉल हो सकता है या हमारा इंडिया का छोटा फॉल, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने लाइट के जगह पानी को कलरफुल करने की कोशिश की है। देखो इधर यहाँ आपको पानी हल्का ब्लूश में दिख रहा हुआ, ठीक है, क्योंकि लाइट्स लगा हुआ था इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, और लाइट्स शायद इसके नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इस पुल के नीचे लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत भाई साहब, ये पता नहीं क्या है गुरु, आई डोंट नो, पर चलो आगे बढ़ते हैं, शायद ये बैठक रूम है, यहाँ लोग बैठते होंगे आई थॉट। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दोस्त आपकी जान आपका भाई निजाम के साथ, अलविदा।